ये इंफ्रा स्टॉक और साथ में श्रीमती रेखा जुजारिया जी का एकदम फेवरेट स्टॉक माना जाता है, क्योंकि स्टॉक के अंदर उनके लगभग 11% होल्डिंग है। इस स्टॉक ने पिछले 6 महीने के अंदर 58%, पिछले 1 साल में 370% और पिछले 5 साल में 1250% रिटर्न दिया है। यह कंपनी रोड, बिल्डिंग, इरिगेशन, वाटर एनवायरमेंट, इलेक्ट्रिकल, मेटल, माइनिंग एंड रेलवे का काम करती है। यह एक अपने सहभागी कंपनी के साथ मिडिल ईस्ट के मेस्कोट और दुबई के अंदर भी प्रेजेंट रखती है। 21,000 करोड़ के मार्केट कैप के सामने इसके बाद स्ट्रॉन्ग 57,536 करोड़ रुपए की ऑर्डर बुक है, जो एकदम काफी स्ट्रॉन्ग है। अपने मार्केट कैप से लगभग 2.5 गुना बड़ी इसका ऑर्डर बुक है। यदि हम इसके रेवेन्यू को एकदम स्प्लिट करो, देखे कहाँ कहाँ से कितना रेवेन्यू आता है, तो 39% आता है बिल्डिंग से, 17% ट्रांसपोर्ट से, वाटर एंड रेलवे से 12%, इलेक्ट्रिकल से 20%, माइनिंग से 1%, अदर जो भी कामकाज करती है 10%, और इसमें सबसे ज्यादा ऑर्डर 32% महाराष्ट्र से और 22% उत्तर प्रदेश से आते हैं। यदि हम फाइनेंशियल ईयर 2024 में देखें, इनके बाद लगभग 27,283 करोड़ रुपए के नए ऑर्डर आए हैं। ज्वाइंट वेंटर में 51% शेयरिंग के साथ गोरेगांव से मुन्नड मुंबई तक। कंपनी का नाम, वैल्यूएशन, आपको कब खरीदना चाहिए, क्या आपका स्टॉक क्या रखना चाहिए, सब कुछ बताऊंगा। इसके लिए वीडियो को एंड तक जरूर बने रहिएगा और वीडियो को लाइक ठोक के अभी कभी चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारा टारगेट है इस मंथ के अंदर आप 10,000 सब्सक्राइब करवाए देंगे। 1,300 हो चुके हैं, 8,700 बचे, जल्दी से करवा दीजिए, जो मुझे पता आप करवा ही देंगे। इसका बिजनेस की बात करें तो भारत के 13 राज्यों के अंदर काफी अहम प्रेजेंस रखती है, जिसके अंदर महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, गुजरात, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल और तमिलनाडु के अंदर ये एक इंपॉर्टेंट प्लेयर है। यदि हम इसके की प्रोजेक्ट्स की बात करें, कहाँ कहाँ इसके मेन बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स है, तो लखनऊ एक्सप्रेस वे उत्तर प्रदेश का इसने बनाया है, ईएसआई हॉस्पिटल एंड मेडिकल कॉलेज गुरुबंगा कर्नाटक का, आउटर रिंग रोड हैदराबाद का, ग्रोथ कॉरिडोर तेलंगाना का, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट डिफेंस ऑफ मिनिस्ट्री अरुणाचल प्रदेश एंड वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट राजकोट गुजरात के अंदर। यदि हम इसके क्लाइंट्स की बात करें, कौन कौन से क्लाइंट है, एयरपोर्ट अथॉरिटी इंडिया न्यू दिल्ली, बेंगलोर एंड मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, नागपुर मेट्रो कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ये इसके बड़े क्लाइंट्स है। मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन एंड गवर्नमेंट ऑफ ओमान, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, और भी इनके बड़े क्लाइंट्स की लिस्ट इसके अंदर शामिल है। तो ये सब तो हुई कंपनी के बारे में बात। चलिए हम देखते हैं इसका वैल्यूएशन क्या कहती है कंपनी। करंट प्राइस अभी 325 रुपए के आसपास चल रहा है, मार्केट के 20,000 करोड़ रुपए का है, स्टॉक का पी 27 रुपए चल रहा है, यहाँ अपने इंडस्ट्रीज पे के आसपास चल रहा है। आरओसी 22 का और आरओई 11 का शानदार देखने को मिल रहा है। यदि हम इसका हिस्टोरिकल पीट देखें, पिछले 5 सालों का एवरेज के आसपास यहाँ ट्रेड कर रहा है, ज्यादा ऊपर नहीं है। यदि हम इसकी क्वार्टरली सेल देखें, तो हर साल लगभग 30% से ऊपर की क्वार्टरली सेल से मेंटेन करके रखी है और प्रॉफिट 30% के ओपीएम के साथ काफी शानदार से मेंटेन करके रखा है। और जब इसका पीएल के ऊपर नजर जाते हैं, पिछले 3 सालों से लगभग इसने 34% सीआर के हिसाब से सेल्स को मेंटेन करके रखा है। पिछले साल 20,000 करोड़ के सेल्स थी और प्रॉफिट की बात करें तो 1,061 करोड़ रुपए का। वहीं से हम कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ की बात करें, पिछले 3 सालों में 38%, प्रॉफिट ग्रोथ 41%, स्टॉक का सीआर 57%, आरओई 9 का देखने को मिल रहा है। बैलेंस शीट हम देखते हैं, रिजर्व इनके पास 6,514 करोड़ रुपए के, वहीं इनके पास बोरोइंग्स 980 करोड़ रुपए की है। तो जो भी इनके पास लोन है, जो बोरोइंग्स है, ज्यादा कुछ है नहीं, क्योंकि ऊपर रिजर्व बहुत बड़ा है, स्टेक कर रखा हुआ है। मेन आता है इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न। इसके प्रमोटर के अंदर आप देखेंगे तो बड़े बड़े लोग इसकी प्रमोटर होल्डिंग है, जैसे एएसबी हाउसिंग फाइनेंस, सीधा अंबुजा, जो भी आपके नाम देखने को मिल रहे हैं, सभी इसके मोटर से। एफआईएस के अंदर भी काफी सारी फॉरेन ब्रोकरेज फर्म इसके अंदर इन्वेस्ट कर रखी है, जो लगभग 23% स्टॉक होल्ड करती है। डीआईएस में देखेंगे तो आईसीआईसीआई, आईडीएफसी, निपोन इंडिया, आदित्य बिरला, मैक्स लाइफ, एचडीएफसी, टाटा एलाइन, ये सभी बड़ी कंपनियां भी इसके अंदर स्टॉक रखती है। और पब्लिक के अंदर सबसे इंटरेस्टिंग चीज आपको नजर आएगी, वहां पे देखने को मिलेगा राकेश झुंझुनवाला की वाइफ रेखा झुंझुनवाला जी, मैक्स लाइफ, एचडीएफसी, टाटा एआई, सुरभि कंसल्टेंट, इन सभी के पास लगभग मिलागा 30-35% स्टेक होल्डर, और जो बाकी छोटे रिटेल से बचे हैं उनके पास 10-12% की होल्डिंग्स है। तो ओवरऑल देखा जाए तो कंपनी के फंडामेंटल काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। अब हम देखते हैं इसका टेक्निकल एनालिसिस क्या कहता है, हमें कहां से इसको बाय करना चाहिए। जब भी स्टॉक 300 रुपए के आसपास आता है, आप इसमें थोड़ी क्वांटिटी एड कर सकते हैं, लेकिन जो उसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो बन रहा है 250 रुपए का बन रहा है, जैसे 250 रुपए के आसपास आपको मिलता है बाय कीजिए और 300 रुपए के आसपास पर रडार पर रखिएगा। यहाँ से आपको 350-400-500 रुपए तक का टारगेट इजीली देखने को मिल सकते हैं। इस स्टॉक का नाम तो अभी तक आपको पता चल ही चुका होगा, नहीं चला तो मैं बता दूं, उसका नाम है एनसीसी लिमिटेड। आपने क्या एनसीसी लिमिटेड के अंदर निवेश कर रखा है, करने वाले हमें कमेंट में जरूर बताना। आपको और भी कौन से स्टॉक से लेने चाहिए हमें कमेंट में जरूर मैसेज कीजिएगा, तुम्हारा भाई इसको एकदम दहधड़ाक वीडियो लेकर आएगा। और वो एक काम तो आपने करवाई दिया होगा, और चैनल को इसके लिए अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसे इंपॉर्टेंट स्टॉक्स